कन्फोकल कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 6, आप सभी का स्वागत। आइए इसमें कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लें, सिंपल एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द कन्फोकल कोनिकॉइड्स ऑफ द एलिप्सॉइड 3x² प्लस 4y² प्लस 6z² इज इक्वल टू 12 विच पास थ्रू द पॉइंट -101। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपने कन्फोकल कोनिक्स टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी पढ़ा हुआ है। इस प्लेलिस्ट को शुरू करते समय भी कई बार मैं ये कह चुका हूँ, कन्फोकल कोनिकॉइड्स ये प्लेलिस्ट हमारा आप वॉच करने से पहले कन्फोकल कोनिक्स एक प्लेलिस्ट है उसको देख डालिए, तब आपको इसमें ज़्यादा ईज फील होगा। ट्वेल्व से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, x² / 4 प्लस y² / 3 प्लस z² / 2 इज इक्वल टू 1। ये है एलिप्सॉइड। इसके कन्फोकल कोनिकॉइड्स कैसे लिखेंगे हम, x² / 4 - λ प्लस y² / 3 - λ प्लस z² / 2 - λ इज इक्वल टू 1। नंबर 2, कन्फोकल कोनिकॉइड्स, लैम्डा इसमें अननोन है, इस अननोन को निकालने के लिए कोई कंडीशन उपलब्ध होनी चाहिए, वो उपलब्ध है इफ इट माने जो बगल में है, इफ इट पासेस थ्रू -101 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड 1/4 - λ प्लस 0/3 - λ प्लस 1/2 - λ इज इक्वल टू 0 implies that 1/4 - λ plus 1/2 - λ is equal to 0. Sorry, aur tarike is equal to 1. Abhi lambda mein 2 degree ka equation hai, isko aap solve kariye, 2 - λ plus 4 - λ equals to 2 - λ into 4 - λ, is it correct? Implies that 6 - 2 λ is equal to λ² minus 6 λ plus 8. सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो, λ² minus 4 λ और plus 2 is equal to 0. Implies that λ is equal to 4 plus minus under root 16 - 8/2 is equal to 4 + -√8/2 equals to 4 + √2/2 is equal to 2 + √2. इसे 2 में रख देना है, तो 2 में डायरेक्ट रखने से बेहतर है कि हम 4 - λ, 3 - λ, 2 - λ की वैल्यूज निकाल लें। नाउ 4 - λ इज इक्वल टू 4 - √2 इज इक्वल टू 4 - 2 और फिर -+√2 इज इक्वल टू -2 - +√2। ये 4 - λ की वैल्यू आ गई।
यहाँ पे टू आएगा ना, कैसे माइनस लिख दिया। इसके बाद थ्री माइनस लेमडा इज इक्वल टू थ्री माइनस विद इन द ब्रैकेट टू प्लस माइनस रूट टू इज इक्वल टू वन माइनस प्लस रूट टू एंड टू माइनस लेमडा इज इक्वल टू टू माइनस विद इन द ब्रैकेट टू प्लस माइनस रूट टू इज इक्वल टू माइनस प्लस रूट टू। पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू वी गेट द रिक्वायर्ड कन्फोकल कॉनिकॉइड्स। अब देखो सभी में क्रम प्लस माइनस का एक ही जैसा आ रहा है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसको हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस रूट टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस माइनस रूट टू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन प्लस माइनस रूट टू इज इक्वल टू वन। दीज आर इक्वेशंस ऑफ कन्फोकल कॉनिकॉइड्स। अब यहां पर एक बात हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें कि जिस पॉइंट से कन्फोकल कॉनिकॉइड को होकर जाना था उस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट जीरो है, इसके कारण लेमडा में दो डिग्री का इक्वेशन आपको मिला जो आसानी से आप सॉल्व कर पाए और फिर उसको नंबर टू में रख पाए और आंसर आसानी से निकाल पाए। सोचो अगर तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी को हम जीरो ना करें, तीनों को हम नॉन जीरो ही रखें, तब आपको लेमडा में तीन डिग्री का इक्वेशन मिलेगा जिसे सॉल्व करना कठिन होगा। हाँ, तीन डिग्री का इक्वेशन होगा तो उसको आप रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो प्रायः हमने देख रहा है कि कन्फोकल कॉनिक्स में भी जो क्वेश्चन था, यहाँ कन्फोकल कॉनिकॉइड में जो क्वेश्चन है, दोनों में एक ही जैसा बातचीत हुआ है। वहाँ भी एक कोऑर्डिनेट जीरो रखा गया था, यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट जीरो रखा गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर तीनों नॉन जीरो कोऑर्डिनेट होंगे तो लेमडा में तीन डिग्री के क्वेश्चन बनेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो सॉल्वेबल होगा तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा जिसमें मान निकल सके। आपसे कहा जा रहा ना कि ये चीज़ निकालो, तो वो चीज़ निकालने योग्य है, निकलने योग्य है, तभी तो कहा जाएगा ना निकालो। तो क्वेश्चन को लेकर आप बाज ना होइएगा कि ये पूछ दिए तो ऐसा कर दिए तो का कोई जवाब नहीं होता है। करवाया आपसे काम वही जाएगा जो हो सकने लायक होगा। एग्जाम्पल टू, अ गिवन प्लेन एंड अ पैरेलल टेंजेंट प्लेन, अ गिवन प्लेन एंड अ पैरेलल टेंजेंट प्लेन टू अ कॉनिकॉइड, टू अ कॉनिकॉइड are at distances P and P naught respectively from the center, prove that the parameter of the confocal conicoid, prove that the पैरामीटर ऑफ द कन्फोकल कॉनिकॉइड विच टचेज द प्लेन विच टचेज द प्लेन
गामा इज पी नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उस कन्फोकल कोनिकॉइड का पैरामीटर यानी कि उसके लिए लेमडा की वैल्यू पी नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगी जो कन्फोकल कोनिकॉइड प्लेन को टच करेगा। किस प्लेन को भाई? टेंजेंट, गिवन प्लेन को। तो आपके पास क्या है? अ गिवन प्लेन एंड अ पैरेलल टेंजेंट प्लेन टू अ कोनिकॉइड। तो आप इलिप्सॉइड लिखो, कोनिकॉइड लिखो, फिर गिवन प्लेन लिखो, फिर गिवन प्लेन के पैरेलल टेंजेंट प्लेन लिखो। तो ये सब लिखने से पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद कर लें। इलिप्सॉइड के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको मालूम होना चाहिए। इलिप्सॉइड माने सेंट्रल कोनिकॉइड चैप्टर में उसको आप पढ़े होंगे ना। अ गिवन प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P टचेस द इलिप्सॉइड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ P इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n स्क्वायर। चलो इसको किया जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्सॉइड। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 कन्फोकल कोनिकॉइड। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। नंबर 3 गिवन प्लेन। और इस प्लेन के इक्वेशन की क्या खूबी है? ये उस प्लेन का इक्वेशन है जिसके नॉर्मल के डीसीज एल एम एन है और जो प्लेन ओरिजिन से पी डिस्टेंस पर है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये। अब सेंट्रल कोनिकॉइड एलिप्सॉइड के लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप पढ़े हुए हैं मैं उसको लिख देना चाहूंगा। वी नो दैट दिस प्लेन टचेस इलिप्सॉइड 1 इफ P इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉजिकली थोड़ा ध्यान दीजिए। ये प्लेन इसको छुएगा अगर P इतना हो जाए, यानी P की जगह हम इतना रख दें तो ये प्लेन टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ये प्लेन टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि ना आपके? देयरफोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन किसके लिए? टेंजेंट प्लेन टू 1 पैरेलल टू गिवन प्लेन 3 इज, समझ लिए ना, ये इसको छुएगा जब P की जगह इतना रख दें। यानी P की जगह हम इतना रख देंगे तो जो प्लेन आएगा वो इसका टेंजेंट प्लेन होगा और वो इसके पैरेलल भी होगा। Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। नंबर 4 ऑब्वियसली
ऑब्वियसली द प्लेन्स 3 and 4 आर पैरेलल। बोलिए ठीक है ना। नॉर्मल के डीसीज LX प्लस MY प्लस NZ, सॉरी LMN, तीन में भी है, चार में भी वही है, LMN है, पैरेलल प्लेन हुआ। अब क्वेश्चन पढ़िए, अ गिवन प्लेन, अ गिवन प्लेन एंड अ पैरेलल टेंजेंट प्लेन टू अ कोनिकॉइड, एंड अ पैरेलल टेंजेंट प्लेन टू अ कोनिकॉइड माने टू इलिप्सॉइड, आर एट डिस्टेंसेस पी एंड पी नॉट, यानी कि सेंटर से इस प्लेन का डिस्टेंस पी है और इस प्लेन का डिस्टेंस पी नॉट है। तो पी की जगह तो हम पी लेके चल ही रहे हैं, लेकिन पी नॉट की जगह कुछ और आ गया है, तो वो आप लिख लें। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ फोर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर 0 0 0, किसका सेंटर ऑफ वन इज पी नॉट, देयरफोर पी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर नंबर 5। तो यहां तक का बात हो गया सब, अ गिवन प्लेन एंड अ पैरेलल प्लेन टू अ कोनिकॉइड आर एट डिस्टेंसेस पी एंड पी नॉट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर, हो गया। प्रूव क्या करना है, अब इसकी बात हो कि प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ द कन्फोकल कोनिकॉइड विच टचेस द प्लेन, विच टचेस द प्लेन, यानी कि जो प्लेन दिया हुआ प्लेन है प्लेन नंबर 3, अगर उसको कोई कन्फोकल कोनिकॉइड छूना चाहता है तो लेमडा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस पी नॉट स्क्वायर, सॉरी पी नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगी। तो अब यही करिए, इफ द प्लेन 3 टचेस द कन्फोकल देन, कन्फोकल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप जानते हैं, इफ 3 टचेस 2 देन बाई द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं हम इसी प्लेलिस्ट में, कन्फोकल कोनिकॉइड इसको ये प्लेन छुए किन शर्तों पे, ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। लेमडा की वैल्यू निकालनी है बस आपको, इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया, और माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा उधर ले चलिए तो उधर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस लेमडा ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम आई राइट। चूंकि एल एम एन प्लेन के नॉर्मल के डीसीज हैं इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, इम्प्लाइज दैट। और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू ये पी नॉट स्क्वायर है, पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस लेमडा, इम्प्लाइज दैट लेमडा इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही प्रूव करना था। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सारी बातों को समझ लीजिए।
आगे बढ़े एग्जाम्पल नंबर थ्री। If a straight line touches two confocal conicoids, if a straight line touches two confocal conicoids, comma, then prove that the tangent plane then prove that the tangent plane tangent planes at the points of contact at the points of contact are at right angles आर एट राइट एंगल्स। ध्यान से पढ़िए, देखो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था थ्योरम जैसा, कन्फोकल कॉनिक्वाइड्स के सिस्टम के दो मेंबर्स दी हुई लाइन को छूते हैं, याद आया? तो पहले इसी को लिख दिया जाए, चलो फिर उसके बाद कुछ लिखा जाए। वी नो दैट टू कन्फोकल कोनिकॉइड्स टच अ गिवन लाइन। तो दी हुई लाइन को दो कन्फोकल कोनिकॉइड टच करेंगे तो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा। उन दोनों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो टेंजेंट प्लेन्स खींचे जाएंगे वो राइट एंगल्स होंगे, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलिप्सॉइड और दो कन्फोकल कोनिकॉइड लिखिए, एक में पैरामीटर लेमडा ले लें, एक में पैरामीटर म्यू ले लें, या एक में लेमडा वन ले लें, एक में लेमडा टू ले लें। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू वन। नंबर टू, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस म्यू प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस म्यू प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू वन। नंबर थ्री, टू कन्फोकल कोनिकॉइड्स टू कन्फोकल कोनिकॉइड्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन equation of the tangent plane to two at point of contact हम ले ले रहे हैं a x1 y1 z1 is x1 x upon a square minus lambda plus y1 y upon b square minus lambda plus z1 z upon c square minus lambda is equal to 1। number 4,
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू थ्री एट कैपिटल बी एक्स टू वाई टू जेड टू इज एक्स टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस म्यू प्लस वाई टू वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस म्यू प्लस जेड टू जेड अपॉन सी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू वन। नंबर फाइव। अब यहाँ पे आपके मन में उठ रहा था ना कि दी हुई लाइन कहाँ है सर, तो थोड़ा सा अप्रोच आपको दिमाग में रखना है। हम इसके x1, y1, z1 पर एक टेंजेंट प्लेन लिख लिए, इसके x2, y2, z2 पर एक टेंजेंट प्लेन लिख लिए, तो x1, y1, z1 और x2, y2, z2 दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हुए, उन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो एक लाइन हो गई। तो वो लाइन कैसी हो गई? वो लाइन ऐसी हो गई जो दो कन्फोकल्स को छू रही है। ये अप्रोच है इसका, ये कहने जा रही यही है। इफ द लाइन ए बी टचेज द कन्फोकल कोनिकॉइड्स टू एंड थ्री, ओके, देन ए बी लाइज ऑन द टेंजेंट प्लेन्स फोर एंड फाइव। देखो मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस के इस पॉइंट पर ये टेंजेंट प्लेन है, तो जितनी भी टेंजेंट लाइंस होंगी सब इसी प्लेन में होंगी ना। टेंजेंट लाइन ये है, टेंजेंट लाइन ये है, टेंजेंट लाइन ये, सब टेंजेंट लाइन है। और ये सब की सब लाइन इसको यूँ समझें, इसको ये समझ लो ऐसे, ये भी टेंजेंट लाइन है, ये भी जितना देखो इसे घुमाते जा रहे हैं, ये सब टेंजेंट लाइन है, एक ही पॉइंट पर है ना टेंजेंट लाइन। तो अब इन सभी लाइन का लोकस जब निकालोगे तो ये प्लेन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? टेंजेंट प्लेन हो गया। यानी कि टेंजेंट लाइन हमेशा टेंजेंट प्लेन पर लाई करती है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन पर लाई करती है। तो यही हम लिखने जा रहे हैं, सिंस द लाइन ए बी टचेज द कन्फोकल कोनिकॉइड्स कौन कौन से टू एंड थ्री, देयरफोर द लाइन ए बी मस्ट लाई ऑन द टेंजेंट प्लेन्स फोर एंड फाइव फुल स्टॉप। इट फॉलोज दैट लाइन ए बी अगर इस टेंजेंट प्लेन पर स्थित है, ठीक है ना, तो लाइन के सारे पॉइंट उस टेंजेंट प्लेन पर होंगे। समझ रहे ना? तो ये जो पॉइंट है एक्स टू वाई टू जेड टू, बी का जो कोऑर्डिनेट है, इस टेंजेंट प्लेन पर पूरी की पूरी लाइन ए बी है, ये ए है ये बी है, तो ये पॉइंट बी भी तो इस टेंजेंट प्लेन पर होगा। उसी प्रकार से इस टेंजेंट प्लेन पर पूरी लाइन ए बी है, तो ये ए भी तो इस पर होगा। तो ए वाले कोऑर्डिनेट को इसमें रख दो, बी वाले कोऑर्डिनेट को इसमें रख दो, तो आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ एक्स वन एक्स टू आएगा तो यहाँ एक्स टू एक्स वन आएगा। नहीं, इसमें ए स्क्वायर माइनस लेमडा आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस म्यू आएगा, दो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, दोनों अलग अलग को लिखिए। इट फॉलोज दैट तो पहले एक्स टू वाले को इस पे रखा जाए, एक्स वन एक्स टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई वन वाई टू अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस Z1 Z2 upon C square minus lambda is equal to 1, यहाँ लिख दें, as B lies on 4 and अब इसको इस tangent plane पर लिखिए, X2 X1 upon A square minus mu plus Y2 Y1 upon B square minus mu प्लस जेड टू जेड वन अपॉन सी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू वन एज
ए लाइज ऑन 5। ये दो रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो गए, इनको अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग भी है, x1 x2 कॉमन, 1 upon a square minus lambda minus 1 upon a square minus mu, प्लस y1 y2 कॉमन, 1 upon b square minus lambda minus 1 upon b square minus mu, प्लस z1 z2 कॉमन, 1 upon c square minus lambda minus 1 upon c square minus mu इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x1 x2 इंटू ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि लेमडा माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस म्यू प्लस y1 y2 इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस म्यू प्लस z1 z2 इंटू लेमडा माइनस म्यू अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। ये पता है आपको, सिद्ध क्या करना है फाइनली, दोनों टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर है, यही फाइनली आपको प्रूव करना है। इन दोनों टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन को हम मिटाना नहीं चाह रहे, बिना इसको मिटाए हम बकिया स्पेस में अपना काम कर लेंगे। इसको हम घेर दिए और फिर एक कट लगा दिए। लेमडा माइनस म्यू नॉन जीरो क्वांटिटी है, इससे डिवाइड कर दिया तो आ गया इम्प्लाइज दैट x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस म्यू प्लस y1 y2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू बी स्क्वायर माइनस म्यू प्लस z1 z2 अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू सी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। अर्थात x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू x2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस म्यू प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू y2 अपॉन बी स्क्वायर माइनस म्यू प्लस z1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू z2 अपॉन सी स्क्वायर माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। इसी को ऐसे लिख दिए बेटा। तो एक प्लेन देखो ये है, मान लो इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 1, और मान लो इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 1। तो आप बताएं ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे? तब होंगे जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो। वही तो लिखा है, x का कोफिशियंट इंटू x का कोफिशियंट प्लस y का कोफिशियंट इंटू y का कोफिशियंट प्लस z का कोफिशियंट इंटू z का कोफिशियंट इक्वल्स टू 0। तो कामा लगा के लिखिए, विच इन्फर्स दैट द प्लेन्स द टेंजेंट प्लेन्स 4 and 5 आर एट राइट एंगल्स, यानी परपेंडिकुलर आर एट राइट एंगल्स। ये क्लियर हुआ आपको? तीन एग्जाम्पल हमने इस वीडियो में बताया, तीनों आपको भली भांति क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर दें, और अगले वीडियो में बातचीत अभी जारी रहेगी।